जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑफ CABF बाइसे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट लेते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, बेल आइकन का बटन इसलिए कि फ्यूचर में कोई भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है या आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड, सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पर मिल सके। इसलिए दोस्तों, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है जो भी दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 2023 में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकली थी और लगभग जो वैकेंसी थी वो इतनी ज्यादा थी कि शायद इस 4-5 साल के दौरान वो उसमें जो पद थे वो काफी भारी मात्रा में थे। ठीक है, तो 7,000+ उसमें वैकेंसी थी, तो उस हिसाब से मतलब 7,500 के आगे थे वैकेंसी। तो बहुत से जो होशियार बच्चे थे उन्हें भी वहां पे घुटने टेकने पड़ गए। रीजन आपको पता है कि क्या रहा? जैसा कि आप सभी को पता है कि SSC दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर जो एग्जामिनेशन था वो बहुत जल्दी कंडक्ट करा दिया था और एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के बाद रिजल्ट दे दिया और रिजल्ट के जस्ट बाद 13-14 दिन का उन्होंने टाइम दिया, मतलब 10 से 1 दिन का ही टाइम मिला कुछ बच्चों को, तो क्योंकि जिनका 14 तारीख से फिजिकल था और फिजिकल की तैयारी ना करने की वजह से उन बच्चों को बहुत ही जो फिजिकल है वो बहुत ही ज्यादा उससे कठिनाइयों से सामना करना पड़ा और फिजिकल वो नहीं कर पाए। ठीक है, और अनसक्सेसफुल रहे। तो दोस्तों, उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मोटिवेटेड आप रहिए, कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया। क्योंकि उसमें दोस्तों बहुत से ऐसे बच्चे थे जो काफ़ी इंटेलिजेंट थे, काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, किसी के 80 मार्क्स भी थे, किसी के 85 भी थे। ठीक है, मतलब 70 से अबव बहुत बच्चों के अच्छे अच्छे मार्क्स थे, लेकिन दोस्तों वो उस दौरान फिजिकल ही नहीं कर पाए तो आगे की प्रोसेस में वो दोस्तों शामिल ही नहीं हो पाए। और यहाँ पर दोस्तों जिनका लक अच्छा था, जो पहले से फिजिकल की प्रिपरेशन कर रहे थे नॉर्मली, ठीक है, उनका वहां पे सिलेक्शन हो गया। तो दोस्तों ये बहुत ही खुशी की बात है जिन बच्चों का हो गया, बाकी जिनका नहीं हुआ वो डीमोटिवेटेड ना हो, मोटिवेटेड रहे, क्योंकि 2024 में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो वैकेंसी का जो स्ट्रक्चर है वो ओवरऑल जो वैकेंसी आपकी निकलेगी वो 4800+ वैकेंसी निकलेगी। ठीक है, 4800+ आपकी वैकेंसी रहेगी, बाकी जो इसका नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आएगा। ठीक है, और कम से कम इसका जो नोटिफिकेशन है अब तो इलेक्शन के जस्ट बाद ही आएगा और जुलाई अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आपका 100% आ जाएगा। मतलब ये वैकेंसी है जो 2024 में ही आपकी आ जाएगी। पर इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको भैया रिटर्न एग्जाम का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जिसने भी पढ़ाई को छोड़ दिया है तो भैया पढ़ाई को स्किप ना करें, रेगुलरिटी रखें, अभी कंटिन्यूटी रखें पढ़ाई में। जब तक कंटिन्यूटी नहीं रखोगे तब तक कोई सॉल्यूशन आपका हो नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा कि बच्चे 6-6 महीने 1-1 साल कंटिन्यू प्रिपरेशन करते हैं तब उनका एग्जाम निकलता है, और एग्जाम निकलता है तो वो फाइनल कट ऑफ में भी आ पाते हैं। लेकिन जो 2-3 महीने प्रिपरेशन करते हैं उनका एग्जाम निकल तो जाता है लेकिन फाइनल कट ऑफ में वो निकल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि फाइनल कट ऑफ के लिए थोड़े से आपको मार्क्स इस लेवल से उस लेवल तक चाहिए, तो आपको प्रिपरेशन रेगुलरली करनी पड़ेगी जो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। बाकी जिसने भी जो भी फिजिकल से निकले थे अपना जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो अपना अच्छे से बनाइए, क्योंकि दोस्तों 6 मिनट में 1600 मीटर इतना जल्दी मतलब इसके वो करना, मतलब उसको मेंटेन करना आसान बात नहीं है। लगभग उसमें आपको 20 दिन की प्रिपरेशन जरूर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो आप डीमोटिवेटेड ना हो, जिसके पास भी एज है वो अपना भाई प्रिपरेशन करें। ठीक है, और 2024 में ही वैकेंसी निकलेंगी आपकी, उस हिसाब से अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें। अगर जिनका एज ग्रुप थोड़ा सा बढ़ गया है तो आप RPF में फॉर्म फिल कर सकते हैं, रेलवे पुलिस फोर्स में, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसमें भी वैकेंसी दोस्तों निकली हुई है। रेलवे पुलिस फोर्स में कांस्टेबल की वैकेंसी है और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी निकली हुई है, जिसका जो एज क्राइटेरिया आपका रहने वाला है 18 से 28 और 20 से 28। ठीक है, जो दिल्ली पुलिस में अपना फॉर्म फिल नहीं कर सकते मैं उनके लिए दोस्तों बता रहा हूँ।
बाकी दोस्तों दिल्ली पुलिस एक बहुत ही अच्छी नौकरी है, ठीक है। और ये इसका जो जॉब लोकेशन है, जॉब प्रोफाइल इतना अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा जॉब प्रोफाइल है, क्योंकि बच्चों जो इनका जॉब प्रोफाइल है वो दिल्ली में ही रहता है, और दिल्ली के अंदर जो पढ़ाई का स्ट्रक्चर है, मतलब आगे स्टडी का स्ट्रक्चर है, खुद पढ़ना है, खुद यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करना है, तो आप नॉर्मली कर सकते हो। और जैसा कि आपने देखा भी होगा, बहुत से जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे, हवलदार थे, वो दोस्तों दिल्ली पुलिस की जॉब को स्किप करके वो यूपीएससी में भी गए हैं। और आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन भी हैं, बेशक से आप चेक कर लेना यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया और वो दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़कर फिर अपना यूपीएससी उन्होंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। वो क्या रीजन रहा कि दिल्ली में ही उनकी जॉब प्रोफाइल रही और दिल्ली में ही उन्होंने पढ़ाई की, ठीक है, रेगुलरली, और कंटिन्यूटी अपनी चीजों को उन्होंने रखा, क्योंकि दिल्ली में दोस्तों थोड़ा सुविधाएं हैं, ठीक है, फैसिलिटीज हैं, चाहे वो अपने बच्चों के लिए हो, चाहे फैमिली के लिए हो, चाहे कोई भी ट्रीटमेंट के लिए हो, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है तो भी दिल्ली अच्छा है, और स्टडी अगर पढ़ाई वगैरह करानी है बच्चों को तो भी वह अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हर तरीके के अच्छे अच्छे कॉलेजेस वगैरह हैं, या फिर कोई कोचिंग सेंटर्स वगैरह है, चाहे आप कोई भी प्रिपरेशन करवाओ, चाहे एसएससी की कराओ, चाहे असिस्टेंट कमांडेंट की कराओ, एनडीए की कराओ, यूपीएससी की कराओ, जो भी आप चाहते हो वहाँ पे आपको सारा चीज अवेलेबल रहता है। लेकिन अदर जो स्टेट पुलिस की जो वैकेंसी, स्टेट पुलिस है जो, जैसे कि आप यूपी ही लगा लीजिए, अब यूपी दोस्तों बहुत बड़ा है, ठीक है, 75 डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं उसमें, तो जैसे लखनऊ वाला एरिया में आया तो वहां पे आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। लेकिन अदर जो ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं जहां पे आपको फैसिलिटी पूरी नहीं मिल पाती है, ठीक है, चाहे वो कोचिंग सेंटर लगा लीजिए, या अपना मेडिकल ट्रीटमेंट लगा लीजिए, या फिर अदर कोई भी फैसिलिटी आप लगा लीजिए। तो इस वजह से पूरे ऑल इंडिया में दिल्ली पुलिस की जॉब को बहुत ही बेस्ट माना गया है, क्योंकि इसका जॉब प्रोफाइल बहुत ही छोटे से एरिया में है। दिल्ली में कहीं भी आप, मतलब आपका कहीं भी घर ले लो और वहां से आप अप डाउन आराम से कर सकते हो अपनी जॉब प्रोफाइल के लिए, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस की दोस्तों वैकेंसी बहुत जल्द आपकी आ जाएगी, और जो भी जिन भी बच्चों का नहीं पढ़ा था वो डिमोटिवेटेड ना रहे भाई, मेहनत करें अभी से ही, कोई नहीं, नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम हमने पास तो किया एग्जाम, तो दोस्तों आपने पास किया, ठीक है, चलो फिजिकल नहीं हो पाया तो फिजिकल अगली बार होगा। हार मानने से दोस्तों बच्चे की कभी जीत नहीं होती, ठीक है, इसलिए हमेशा सोचो कि हाँ मैं इस बार क्वालिफाई करूंगा। और 2024 में दोस्तों वैकेंसी निकलेंगे ही निकलेंगी, ठीक है, कंफर्मेशन है, ठीक है। तो इसी हिसाब से अपना एक टारगेट बना के चलो कि भाई अगस्त में निकलेगा तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी, नवंबर में भी एग्जाम हो सकता है, अक्टूबर नवंबर है। और दोस्तों शायद इसी रेस से, जैसे लास्ट टाइम ये वैकेंसी को इतनी जोर जोर से, धड़ाके से, मतलब इनको चलाया डायरेक्ट, जल्दी से इन्होंने एग्जाम का रिजल्ट दे दिया, और रिजल्ट के जस्ट बाद इन्होंने फिर ये फिजिकल करा दिया, और फिजिकल के जस्ट बाद मेडिकल करा लिया, और मेडिकल के बाद फाइनल कट ऑफ, इतनी जल्दी से दे दी ना, पता ही नहीं लगा दोस्तों कि कितना जल्दी सारा चीज इन्होंने कर दिया, ठीक है। और ट्रेनिंग पे भी बच्चों को ज्वाइनिंग लॉटरी भी इन्होंने प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो ऐसा ही ये लास्ट, आगे भी हो सकता है, ठीक है। बाकी देखो ये तो एक रीजन था कि यहाँ पे इलेक्शंस की प्रॉब्लम थी, शायद इस वजह से इन्होंने बहुत जल्दी चीजें कर दिया, बाकी आगे इनमें इतना जल्दी शायद प्रोसेस नहीं होगा, बट फिर भी आप रेगुलरली प्रिपेयर है ना, जैसे ही आपका एग्जामिनेशन हो जाता है तभी से फिजिकल की प्रिपरेशन आप रेगुलरली करना, ठीक है। बाकी फिजिकल से रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कि किस टाइप से आपको फिजिकल प्रिपेयर करना है, ठीक है, सारी ट्रिक्स आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, जैसे भी होगी, चाहे किस टाइप से कितना दौड़ना है, कितना रनिंग बेस, मतलब शुरू में कितना रनिंग बेस लेना है, फिर कितना, फिर 10 दिन बाद कितना लेना है, 15 दिन बाद कितना लेना है, तो ये सारी जो प्रोसेस है वो मैं आपको भी प्रोवाइड कर दूंगा जब नोटिफिकेशन का समय आएगा, ठीक है, या जब अभी आपको चाहिए तो अभी आप भी कोई अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना चाहे कि सर ऐसे ऐसे क्या होता है, तो आप मेरे से कंफर्मेशन ले सकते हो कि किस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है फिजिकल वगैरह की, ठीक है। फिजिकल तो आपको पता है 1600 मीटर का है, तो बाकी अगर देखो एज का भी मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, अगर एज जिस बच्चे की भी एक्स्ट्रा हो रही है तो कोई नहीं, दिल्ली पुलिस नहीं तो फिर आरपीएफ का 28 तक दोस्तों उसमें एज है, ठीक है, तो 28 तक है तो बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और अपना अच्छी नौकरी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये है कि उसमें ऑल इंडिया लेवल की जॉब रहती है, मतलब ऑल इंडिया में कहीं भी भेज सकते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस का एक ये है कि अपना एरिया जो है वो एक बटा हुआ है, ओनली दिल्ली, दिल्ली में आपकी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है। तो दोस्तों बी मोटिवेटेड और अपना रेगुलर प्रिपरेशन करते रहें, पढ़ाई अपना कंसिस्टेंसी अपना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंट अगर रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई
रोकने वाले नहीं है, और कंटिन्यूटी भी रखोगे एग्जामिनेशन में रिटर्न की, ठीक है, तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी आगे जाके। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी को पता लग सके कि वैकेंसी कब आने वाली है। जय हिंद।